अरे कुछ नहीं, होली की सब तैयारी चल रही थी। तुम्हारी हो गई? अरे तुम्हारी तो पांचों उंगलियां घी में है, सब दो दो बहू है, सब लगी होंगी। तो हाँ, पांचों उंगलियां घी में हो ना हो, सर जरूर हमारा कढ़ाई में है ना। कहने को दो बहुएं हैं लेकिन किसी काम की नहीं है दोनों। बस बराबरी करवा लो दोनों की, वो उनसे बराबरी करेंगी, वो उनसे बराबरी करेंगी। पहले तो ले दे के ऐसे कह सुन के हमारी बड़ी वाली कर भी लेती थी, अब वो जब से छोटी वाली आ गई है तब से तो बिल्कुल ही इसने मतलब हाथ पल्ला झाड़ लिया है। छोटी वाली क्या, वो इसको देख के वो भी नहीं करती कि अब हम तो ऐसे रहते हैं जैसे दांतों के बीच में जबान रहती है। हम कहते हैं चलो ठीक है ना करो, जब हमारी बारी आएगी हम एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। और लड़के वो दोनों हमारे ऐसा लिब रहे हैं कि वो उनका सामान लेके ऊपर, वो उधर सामान लेके ऊपर, बस हम दोनों बुढ़े बुढ़िया बैठे रहते हैं, देखा करते हैं कि शायद पूछ ले कोई, लेकिन ना उनको अपनी बीवियों से फुर्सत मिले तब तो ना, वो इतना थक जाती है बिना कुछ काम करे दोनों की दोनों। अब हमने लगवा रखा है झाड़ू पोछे वाली, खाने वाली, बर्तन वाली, लेकिन अगर एक दिन भी कोई छुट्टी पे है तो मतलब समझ लो महाभारत है कि वो कहेंगे उनसे करवाओ, वो कहेंगे उनसे करवाओ। कोई मतलब, अरे कुछ नहीं, होली सर पे आ गई, दोनों को मतलब नहीं है। वो बड़ी वाली के घर से थोड़ा बहुत आ भी जाता था, वो भी पल्ला झाड़े हुए तो हमने कहा हम भी झाड़े, चलो हम भी शगुन का सब बना लेंगे थोड़ा थोड़ा। हमारे इतना बूता नहीं रह गया है कि हम पूरा घर सबके लिए बनाते फिरे। लड़के हमारे सब राजकुमारियां ब्याह के लाए हैं, जब सब बन जाएगा तो ऊपर से उतर के आएंगे एकदम सवर के टिप टाप बन के। अरे मम्मी कुछ काम तो नहीं, हम कुछ करवा लें? होली में इतना चकाचौंध रहती थी।